हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दुनिया सभा में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ बहुत ही अच्छी जगह। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैं फर्स्ट टाइम स्टारबक ट्राई करने जा रही हूँ, यानी अपनी लाइफ में पहली बार। और दोस्तों, अभी मैं रोड पर हूँ, आप देख सकते हैं मेरी देवरानी जी ड्राइव कर रही हैं और मैं पीछे बैठी हुई हूँ आराम से। सो ये यहाँ पर आपको शहीद वाली पार्क मिल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बच्चों के लिए। हज़रतगंज रोड पे है, शहीद स्मारक के पास ही आपको पार्क पड़ जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ना है हमें, और क्योंकि हम जा रहे हैं हज़रतगंज, तो हज़रतगंज में स्टारबक है और आज एक बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री का। तो पहले तो ये कार्ड हमारे पास काफ़ी समय से था, बट हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक ट्राई नहीं किया था। और दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर सारे प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, ये हज़रतगंज ही पे रोड पे मिलेगा। अगर आपको पौधों की ज़रूरत हो तो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं, फाइनली आ चुके हैं यहाँ पर स्टारबक्स, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, और ये इसकी लोकेशन है। अभी हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं, फिर बताते हैं क्या। तो फ्रेंड्स, ये स्टारबक का बाहर का व्यू है कॉफ़ी का। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि हम लोगों की, मतलब जब हम लोगों का टाइम आया तो एक घंटा लग गया। सो अभी हमें लाइन में लगना है, क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री का ऑफ़र चल रहा था। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ऑफ़र था जिसमें हमें एक कॉफ़ी के साथ एक और कॉफ़ी फ्री मिल रही थी। और ऐसे एक कॉफ़ी आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, बट आप लाइन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है। तो हम लोग यहाँ वेटिंग में थे और बस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी दोस्तों आप लोगों के लिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तो ट्राई करी होगी स्टारबक, बट मेरा फर्स्ट टाइम है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे पीने के लिए कि भाई कैसी होगी पीने में। और ये मेरा आज का लुक था, सो मैंने ये वाला नकाब भी अपनी भाभी से स्टिच कराया था, सो इस टाइप से। और अभी हम धीरे धीरे बढ़ते हुए अंदर बढ़ रहे हैं और पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएँगे। और ये हमारा कार्ड है जो यहाँ का बना हुआ था, आई होप ये वैलिड हो, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोगों ने ट्राई नहीं करा था। इसमें बैलेंस अभी भी है और देखना है कि ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को बोल रहे थे कि यहाँ पे कार्ड जो है नहीं ले रहे हैं, बट हम लोग ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी है, शायद ये कार्ड हमारा ले लें। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा कार्ड एक्सेप्ट हो गया और यहाँ पर नाम लिखवाने की बारी आई है। तो भाई, मैंने तो दुनिया सभा लिखवाया और इन्हीं ने मिसेस खान के नाम से, सो दुनिया सभा का एक अलग ही यार। अब हमारा ऑर्डर हो चुका है और बस अब हमें वेटिंग करना है, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो नंबर भी काफ़ी लेट आएगा। साथ में हम लोगों ने कुछ और भी ऑर्डर करा था, वो भी साथ में लिया। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि हम लोगों ने क्या ऑर्डर करा है, और आप भीड़ देख सकते कितनी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। तो अब मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट, ये आपको जब मैं एक बार ट्राई कर लूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। सो आपका क्या एक्सपीरियंस पहला रहा था स्टारबक्स का, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों को यहाँ पे जगह मिल गई है मेरी देवरानी बैठी, और साथ ही आपको मैं एक और शख्स से मिलाऊंगी जिनका यूट्यूब पे एक चैनल है। और एक भैया ने मुझे और बोला था, आज मैं उनकी भी बोलूँगी कि आपको एस के खान के नाम से उनका ब्लॉग है, आप ज़रूर उनका ब्लॉग एक बार चेक करिए, देखिए बहुत अच्छा बनाते हैं। और साथ ही यहाँ पर ये भाई हैं, देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं। सो इनका नाम मोहम्मद सलमान के नाम से है, और ये देख सकते हैं टी शर्ट से इनका पूरा दे रखा है। सो आप इनकी ब्लॉगिंग देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ये अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। अभी हम यहाँ पर फ्री का लूट रहे हैं, स्टारबक्स का आनंद उठा रहे हैं, तो अभी बैठे हैं, अभी उन लोग का नंबर आने वाला है।
तो फ्रेंड्स फाइनली हमें यहाँ पर हमारी कॉफी मिल गई, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और यहाँ पर हम लोगों ने ब्लूबेरी का मफिन्स लिया है, बहुत ज़्यादा यम्मी था खाने में। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर ये ट्राई करिएगा, ब्लूबेरी का बहुत ज़्यादा यम्मी था। और इसके प्राइस की बात करूँ तो 350 आई थिंक इतने थे इसके प्राइस। और यहाँ पर हम लोग बस आप ट्राई करने वाले हैं, दुनिया सबा नाम देखकर तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो हमारी देवरानी जी बस अब खाने के लिए सब सेट कर चुकी थी, अब हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसी। और ये यहाँ अपनी सेल्फी लेने में मस्त थी, तो चलिए अब मैं ट्राई करूँगी और आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर दुनिया सभा के नाम से आ गया है हमारी ये स्टारबक्स कॉफी। सो अभी इसको टेस्ट करेंगे। तो काफी टाइम से हम लोग ट्राई करना चाहते थे बट टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता था दोस्तों, तो इसलिए हम लोग ट्राई नहीं कर पा रहे थे। तो आज फाइनली हमारे पास ऑलरेडी कार्ड था यहाँ का, और आज बहुत अच्छा ऑफर मिला बाय वन गेट वन फ्री का। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे थे। कॉफी तो सस्ती है, 400 की है। मतलब स्टारबक्स का मैंने नाम सुना, आप सोच रहे होंगे कैसी है जो पहली बार पी रही है, बट मैंने फर्स्ट टाइम पिया, मेरी देवरानी ने भी फर्स्ट टाइम पिया, उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। ब्लूबेरी का हम लोगों ने यहाँ पे मफिन लिया है, सो अभी हम ट्राई कर रहे हैं और आपको बता रहे कैसा है। बहुत ही यम बना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं हजरतगंज में आई हूँ, डोमिनोज के पास आपको स्टारबक्स मिल जाएगा। सो हम लोग वहीं पर आए हुए हैं। तो दोस्तों आप शॉपिंग से रिलेटेड मेरे ब्लॉग तो बहुत देखते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा है। भाई बहुत सारे लोग तो ट्राई कर चुके होंगे लाखों में, बट मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, इसलिए मुझे बताना आपको ज़रूरी था कि अगर जब आप ट्राई करोगे तो आपका क्या एक्सपीरियंस होगा। मैं यही कहूँगी बहुत ही यम और बहुत ही बढ़िया। और साथ में जब भी आप ब्लूबेरी मफिन जरूर लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और यमी है। इनको देख सकते हैं सिर्फ पीने में पड़ी और खाने में। और तो फ्रेंड्स फाइनली आप लाइन देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है अभी भी। तो हम लोगों ने तो भाई ट्राई कर लिया और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गई भाई स्टारबक्स कॉफ़ी ट्राई करके। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, जिसने नहीं करी है बहुत ही अच्छे ऑफ़र रहते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ इतराती हुई अपना लुक दे रही हूँ, सो मैं आपको अपना यहाँ पर ये स्टिच वाला जो मैंने अपनी भाभी से नकाब सिलवाया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कुछ इस टाइप से मैं स्टिच करवाती हूँ, तो भाई बहुत मज़ा आया बहुत। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग स्टारबक्स पीने के बाद, ये कौन सा होटल है, ये तुलसी पे हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी चिकन रोल खाएंगे। सो हमारे देवर जी भी हमें मिल गए थे यहाँ पर,
तो ज्वाइन कर लिया था, यानी हम लोग को पिक कर लिया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे चिकन रोल खाएंगे, फिर निकलेंगे। और ये हेलमेट लगा के ये खड़ी हुई है। तो तुलसी पे बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, दस्तरखान वगैरह आपको सारे मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं फैमिली के साथ। ये देखिए प्याज वगैरह धुल रहे हैं, आराम से वॉश कर रहे हैं, और अभी वीडियो पे कंटिन्यू रहिएगा। तो ये देखो अभी हम इतना बड़ा यहाँ पर रोल बाहू, तो अभी ट्राई करते हैं चिकन का रोल। सो अभी खाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने बहुत इंजॉय करा। तो आई होप आपको मेरा पूरा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू।